इंदौर में नवविवाहिता की गर्भपात से मौत, स्वजन ने लगाया पति पर आरोप। नमस्कार, मैं हूँ निर्मला वचनारिया और आप देख रहे एमपी 7 न्यूज। देखिए इंदौर की विशेष बड़ी खबर। जी हाँ, स्वजन ने कहा पति ने एक शादी और पहले से कर रखी थी, तलाक हुए बिना ही दूसरी शादी कर ली। पत्नी को मारता पीटता भी था। दत्त नगर में रहने वाली 25 वर्षीय नवविवाहिता निधि पत्नी विनय यादव की रविवार सुबह मौत हो गई। मौत के बाद महिला के माता पिता ने शव जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया। सोमवार को स्वजन आए और उन्होंने अपनी मौजूदगी में पीएम करवाया। स्वजनों ने महिला के पति पर आरोप लगाया है कि उसकी जान पति ने ले ली है। विनय ने पहले ही एक शादी कर रखी थी जिसकी जानकारी उसने नहीं दी थी। वो उसके साथ मारपीट करता था। स्वजनों ने पुलिस को भी शिकायत की है। हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है। राजेंद्र नगर थाना पुलिस मामले में जांच कर रही है। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट में इन्फेक्शन के दौरान मौत होने की बात सामने आई है। महिला पर मारपीट के निशान भी नहीं मिले हैं। स्वजनों ने बताया कि महिला का 4 दिसंबर को गर्भपात हो गया था। उसे अस्पताल में दिखाया और फिर घर ले आए। घर आने के बाद फिर से तबीयत खराब हुई तो उसे अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां रविवार को उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद जब उसकी सूचना निधि के मायके जौनपुर उत्तर प्रदेश में रहने वाले स्वजनों को लगी तो उन्होंने पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए मौत होना बताया। पुलिस को सूचना लगी तो उन्होंने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन स्वजनों ने कहा कि महिला का पीएम उनकी मौजूदगी में किया जाना चाहिए। सोमवार को स्वजन आए और पीएम करवाया। स्वजनों ने पुलिस को पति के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि स्वजनों के बयान और पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। खबरों की अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.mp7news.in पर। देखते रहिए हमारे साथ MP7 News।